दोस्तों इस समय मैं हूँ वृंदावन में और आपको मैं दिखाऊँ मेरे पीछे प्रेम मंदिर। तो दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूँ मंदिर में और वहाँ पर क्या कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर है एक चेक इन एरिया जहाँ पर चेक इन होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे होता है चेक इन कि आप कुछ ऐसा सामान नहीं ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे चेक इन होता है। और चलिए फिर चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। और आपको सामने दिख रहा होगा गेट प्रेम मंदिर का, ये दोस्तों गेट जहाँ से एंट्री होती है। और वहाँ पे गेट पे दोस्तों चेक इन एरिया भी है जहाँ पे चेक होता है। दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा ये दोस्तों चेक इन एरिया जहाँ पे चेक होता है। और इसके अलावा दोस्तों गेट के मैं बगल में दिखाऊँ तो आपको तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। और आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कालिया नाग जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आपको मैं बगल का दिखाऊं तो बगल का कुछ ऐसे दिखने वाला है। और सामने आपको वहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ जय श्री कृष्ण, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जय श्री कृष्ण। और इसके बगल में दोस्तों आपको दिखेगा प्रेम मंदिर, ये है दोस्तों प्रेम मंदिर। रात में दोस्तों यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत दिखता है लाइटिंग की वजह से, यहाँ का लाइटिंग बहुत अच्छा किया गया है जिसकी वजह से यह मंदिर रात में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और मैं इस तरफ का दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। और चलिए मैं बगीचा का दिखा देता हूँ जो यहाँ पे बनाए गए हैं बगीचे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब आर्टिफिशियल कोई नहीं है इसमें दोस्तों, जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो केवल आर्टिफिशियल है, बाकी दोस्तों जो भी पौधे हैं यहाँ पे लगे हैं सब प्राकृतिक पौधे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इस बगीचे में किसी का प्रवेश वर्जित है, तो कभी आप अगर आएँ तो कभी प्रवेश ना करें इस बगीचे में। आपको कुछ ऐसा दिखेगा और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों नज़दीक से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, आप देख सकते हैं कितना मनोरम चित्रण किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर मोर को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से। एक गेट अभी लॉक कर दिया गया है दोस्तों यहाँ से जाना, रात में जब आया था तो यहाँ पे एक खुला हुआ था और मुझे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, और यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं हंस। और वहाँ पर आपको जो भी वृंदावन वासी थे वहाँ पे आपको सब दिख जाएंगे, उनका दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। और फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। ये है दोस्तों मंदिर के बगल का हिस्सा, प्रेम मंदिर के बगल का हिस्सा। और इसके मैं दूसरी तरफ दिखा दूँ दोस्तों तो आपको यहाँ ऐसा कुछ दिखेगा, ये भी कोई मंदिर है जिस पे आपको दिखेगा दोस्तों राधे राधे। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राधे राधे मंदिर पे। और कौन सा मंदिर है मुझे पता नहीं है, फिर भी जितना भी हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ दिख रहा है। और चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा और आगे आने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, और पीछे के हिस्से के पीछे में दिखा दूँ, ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है। और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है जिस पे लिखा है, कृपया फूल ना तोड़ें, कृपया बगीचे में प्रवेश ना करें। और मैं आपको बगीचा दिखा देता हूँ दोस्तों, बगीचा ऐसा कुछ दिखने वाला है, और अंदर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और आपको वहां सामने दिख जाएंगे भगवान श्री कृष्ण। और ये जो सारे फूल दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब प्राकृतिक फूल हैं, ये लगाए गए हैं ना कि बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल नहीं है ये। तो चलिए और आगे चलते हैं। दोस्तों आपको गायों के बगल में दिखेंगे हिरण का चित्र, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिरण का मूर्ति बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी रियल लग रहा है। और यहाँ पर कुछ आपको ऐसे सब फूल दिखने वाले हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। और आगे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा, कृपालु बंदे जगत गुरुम। और फिर मैं आपको और आगे दिखाता हूँ दोस्तों, आपको ये सब फूल दिख रहे होंगे कि आपको दिखाई देगा कि ये लगता है आर्टिफिशियल ही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब फूल प्राकृतिक फूल हैं, और आपको देखने में लगेंगे आर्टिफिशियल, लेकिन ये पूरा प्राकृतिक ही है। तो और आगे चलते हैं। और आपको यहाँ पे दिखेंगे लिखा हुआ हो 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 होरी है, और ये है प्रेम मंदिर का पीछे का हिस्सा। और दोस्तों सामने आपको दिखेगा गोवर्धन पर्वत का दृश्य, अभी मैं वहाँ पे आपको ले जाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ का दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक ही साथ सभी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रात अभी इसको ऐसा रोका गया है, रात को आपको ये सब नाचते हुए दिखेंगे, रात को जब आएंगे आप तो ये पूरा नाचते हुए आपको दिखेगा, और कुछ ऐसा है यहाँ का। और दोस्तों इससे थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो आपको दिखने वाला, आप सामने देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी बनके, दोस्तों आपको वहाँ का दिखेगा रथ का सीन। तो चलिए आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों घोड़े, और इस पर आपको दिखेंगे भगवान श्री कृष्ण।
जो कि सारथी बनकर अर्जुन के साथ हैं। और आपको ऊपर देखेंगे हनुमान जी, आप देख सकते हैं ऊपर हैं हनुमान जी, और आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये अर्जुन और ये हैं भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए मैं आपको गोवर्धन का दिखा देता हूँ, गोवर्धन पर्वत का। जब बहुत ज़्यादा दोस्तों बारिश हुआ था, इंद्रदेव नाराज हो गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके पीछे जिसके नीचे जो भी वृंदावनवासी थे सब उसके नीचे आ गए थे बारिश से बचने के लिए। तो चलिए मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ, और वो है दोस्तों वहाँ पे आपको दिखने वाला है वो। तो चलिए, तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक गोवर्धन पर्वत का जो दृश्य दिखाया गया है उसके मैं बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है। ये ऊपर पर्वत और ये सब हैं गांववासी, और मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये है दोस्तों, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे सामने आपको दिखने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी उंगलियों से पर्वत को उठाया, आप देख सकते हैं। और ये देखने में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे झरने भी गिर रहे हैं, झरने को पानी बोल सकते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था इंद्रदेव की वजह से, वही दिखाया गया है यहाँ पे। तो चलिए और आगे चलते हैं फिर इसके में। और इसके आगे आएंगे दोस्तों तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, पीछे गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत के दोस्तों मैं आपको इधर दिखाऊँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है यहाँ का, और इसके आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे दोस्तों आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों यह जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऐसा कुछ है, और बीच में है भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ, राधा जी के साथ। और फिर मैं आगे का और दिखाता हूँ आपको। और आगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और ये है दोस्तों प्रेम मंदिर वृंदावन का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बगल जो भी मंदिर है वृंदावन में उसका भी मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए बाय बाय।